अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि कल आपको सीन का सबक दिया था, आपको बताया था कि ये सीन का सार कैसे बनाना है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे मेरे मतलब का कागज़ मिल गया है, स्याही अच्छी मिल गई है मुझे। तो बाकी आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को इज़्ज़त बख्शी। आज मैंने आपको ये लंबा सीन सिखाना, बताना है कि इसका क्या तरीका कार है। ये देखें, ये है कि ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके ये लंबाई और ये दायरे ये सब ठीक होते चले जाएंगे। तो इसका तो था ये 2 कात और यहाँ से 1.5 कात, और ये आपने कलम की नोक से बनाना था, और ये 3.5 कात, ये बीच का 2.25 कात। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, सिर्फ ये है कि ये जो लंबा है ये आम नॉर्मल तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको आप जितना चाहें थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं, 9 कद भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, यानी कि ये जगह की मुनासिबत से जहाँ आपको ज़्यादा खूबसूरती लगे। तो मैंने जो बनाया है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कद है, और ये बीच में जो गैप है वो तकरीबन 2 कद का है, और ये उसी तरह है 3.5 कद का, ये देखें, और बीच में गहराई 2.25 कद है। दोबारा देखें, ये बड़े ही अपने हाथ को कंट्रोल करते हुए ऐसे रखना है, और बिल्कुल आराम 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 से आप लेते चले जाएं। ये लाजमी नहीं है कि जितने कत मैं बता रहा हूँ आप उतने ही करें, आप बेशक थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा लंबा कर सकते हैं। बाकी ये इसका ये सिरा कलम की नोक से बनाएंगे, ये देखें, और फिर ये दायरा, इसको आप सेन भी बना सकते हैं, इसको आप शेन भी बना सकते हैं अगर नुक्ते डालने। ये देखें, इसी सेन के ऊपर आप, इसके ऊपर भी आप अगर नुक्ते डाल दें तो ये शीन बन जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो शुरू के 6 अल्फाबेट्स हैं उन पे आपने फोकस करना है, जब आपका हाथ उन पर मुसलसल आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका, ये देखें, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाने लगा हूँ। ये देखें, कभी कभार बीच में अगर कलम फंस भी जाए तो आप दूसरी तरफ से भी ले जा सकते हैं। दोबारा देखें, ये देखें, ये जगह के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है इस लंबे सीन को। ये देखो, बीच में मेरी कलम थोड़ी सी फिर मस्ती करने लग गई है, फिर दोबारा देखें। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मुझे। आज मुझे बहुत दिली खुशी है, हालांकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे आज काफ़ी मोटिवेशन मिली है। आप लोग इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन देता रहूँगा।
आज गर्मी भी खूब जोरों पर है। ये देखो, ये लास्ट टाइम फिर दोबारा देख लें। यह मैंने काफ़ी लंबा खींच दिया है। जितना आप खींच सकते हैं, जितनी आपका ऐसे असूलन तो ज़्यादातर 9 कद का होता है, लेकिन ये देख लें जगह के हिसाब से जैसी राइटिंग करनी है उसके मुताबिक आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगली क्लास पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।